मेन पार्ट है, हमारा झील है जो हजारीबाग का झील है ना, बहुत फेमस है और बहुत ही अच्छा चीज है ये। तो ये चारों तरफ फोर्ट बना हुआ है, चारों तरफ झील के चारों। तो भूखे हैं तो हम सोचे कि नहीं रुके, खाना खिला लेते हैं। वो हमेशा टालता है, उसका आदत बहुत खराब है, इतना लापरवाह इंसान है ना। भगवान से हमेशा दुआ करते हैं, भगवान अगर किसी बेटी के हिस्से में खुशी नहीं होगा, एटलीस्ट उसको ऐसा सुहाग मत देना जिसके वजह से उसको कदम कदम पे ऐसे जलील होना पड़े, ऐसे भूखा रहने पड़े, ऐसे कष्ट होना पड़े। बच्चों को भी दुख होता है, बस यही दुआ करेंगे और कुछ नहीं। तो हमारा बैग ना रास्ते में गिर गया था, हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, उसके बाद वापस आके अभी गाड़ी बांधते बांधते ना नीचे गिर गया। तो आप जैसे कि देख रहे हैं दीदी का गलती से एक्सीडेंट हो गया, इधर पे बैग पहले गिर गया, फिर दीदी का पैर थोड़ा सा डैमेज है, दीदी थोड़ा सा संभल नहीं पाए, वही तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, तो बाद में बाइक भी गिर गया, दीदी को थोड़ा बहुत चोट लगा। तो सपोर्ट कीजिए आगे। इधर आगे दोस्तों, पिक्चर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगा के साथ बताने कैसे आप लोग, उम्मीद करते आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा पूरा कमेंट जरूर करिएगा। तो इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं हूँ हजारीबाग में। मैं कल ही निकल गई थी वहाँ से, लेकिन रास्ता में या फिर निकलते समय ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, कुछ वहाँ पर बहुत ऐसा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और बहुत वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। तो मैं सुबह सुबह मतलब शाम में ही निकल गई, एकदम शाम में 4 से 5 बजे के बीच में निकली, और उतना टाइम में रांची जाना सेफ नहीं था, बहुत मुश्किल था बच्चों को लेके, क्योंकि जब हम लोग हजारीबाग ही पहुँच रहे थे ना तो ही पूरा नाइट हो गया था, एकदम रात हो गया था। फिर हम लोग एक दो जगह और भी बात किए रहने के लिए, तो सबको यहाँ थोड़ा सा जेबा के यहाँ तो हम लोग पहले ही गए थे, तो बार बार वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का ही एक फ्रेंड है, उनके साथ में पढ़ते थे, तो रात में हम लोग यहाँ पे रुके, स्टे किए, तो काफ़ी अच्छा लगा और रात में रिलैक्स किए, तो जाके अभी मेरी हालत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, दिमाग है ना, दिमाग में जानते हैं एक बार कुछ बैठता है तो वो जल्दी निकलता नहीं है। और ये कहते हैं कि हादसा टाइप का हादसा, और बार बार इस तरह का हादसा से गुजरना आदमी कितना मेंटली टॉर्चर होता है ना, वो वही समझता है। तो हम लोग वापस अभी रांची जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर बच्चे हैं जो बैठ के टीवी देख रहे हैं यहाँ पे, और ये फ्लैट है, मतलब फ्लैट लिए हुए इनका अपना है, मतलब क्या क्या थोड़ा सा हमको ये सब समझ में नहीं आता। तो 2 रूम है, एक यहाँ पे मतलब सामने में बेड लगा है, एक पीछे भी है, तो हम वहाँ पे सोए थे रात में भाभी के साथ में, और खाना वाना हम लोग रात में यहीं पे खाए थे, अच्छा लगा। मतलब रात में हम लोग बहुत टेंशन में थे कि कैसे घर जाएंगे, निकल तो गए थे लेकिन घर जाने में बहुत दिक्कत हो जाता, तो हम लोग जल्दी से भी तैयार हुए क्योंकि धूप उप हो जाएगा तो फिर बच्चों को लेके जाने में भी दिक्कत है। तो चलिए मिलेंगे रास्ते में, या फिर जैसा कुछ होगा हम अपडेट देते जाएंगे। और पूरी बातें दोस्तों मैं घर पहुंच के सब बताऊंगी आप लोगों को, सारी का सारा बात। बस अभी मैं 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ, कारण इतना टेंशन में हूँ तो वीडियो एडिटिंग करने का समय भी नहीं है, माहौल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और 2 दिन नहीं डाले तो इसमें भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोग चिंता करते हैं और लग रहा हो क्यों ब्लॉग नहीं आया बोल करके। पापा को बोलो निकलना है, विजय अंकल आएंगे, पूछो ना, तो सैंडल पहनेंगे। तो इनके एक और फ्रेंड है, नहीं है पापा, तो इनके एक और फ्रेंड है, तो वो फ़ोन में शायद बात किया तो बोला है कि आएगा शायद, मिलेगा हेलो, तो देखते हैं आता है तो, नहीं तो सैंडल वैंडल पहनेंगे चप्पल ऊपर और चलेंगे। हम लोग निकल ही रहे थे तो हम सोचे कि आपको हमारे शहर का जो मेन पार्ट है, हमारा झील है जो हजारीबाग का झील है ना, बहुत फेमस है और बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। ये चारों तरफ फोर्ट बना हुआ है, चारों तरफ झील के चारों तरफ, तो आप लोगों को भी दिखा दे, काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है और इतना सुंदर यहाँ पे लगेगा ना आपको, पूरा शहर से भीड़ भाड़ इलाके से एकदम दूर, इतना सुंदर फूल है। और इधर सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं, आते हैं, और जब हम यहाँ पे पढ़ाई करते थे ना तो हम लोग अक्सर आते थे झील है ना, झील से बहुत सारी यादें हैं। इस दो तरफ डिवाइडेड है, एक इधर है और एक इधर है, और यहाँ आते ना मन करता है कि झील झील है, बहुत सारा याद है यहाँ से, कभी फ्रेंड लोग के साथ आते थे भी आते थे, जब मन में व्याकुल हो जाता था तो इधर आते थे हम लोग। तो ये झील का बैक साइड है, जहाँ झील में आए थे अभी छोड़ भी रहे हैं, अकेला भी आता है मेरे जैसा होगा कोई, हम लोग रुके हैं ढाबे में, एक ढाबा है रास्ता में, तो ढाबा मतलब ढाबा नहीं कहेंगे, एकदम
थोड़ा तो अच्छा यूनिक महल, मतलब वे दूसरे में है, लेकिन ढाबा लिखा हुआ है बाहर, और हम लोग बहुत दिन से ना जानते खाना नहीं खाए हैं। हम लोग कल भी पूरा दिन खाना नहीं खाए थे, उसके घर में हमको खाना नहीं दिया गया था, बिल्कुल भूखे थे, भूखे एकदम। और शाम को जब निकले तो फिर रात के 10-10:30 बजे भाभी के यहाँ चावल बना था और मशरूम बना था, तो वही खाए हैं। और उससे भी एक दिन पहले जिस दिन निकल रहे थे, उस दिन भी हम पूरा दिन खाना नहीं खाए थे। दोपहर में ही सिर्फ मतलब कि मेरी फ्रेंड के यहाँ रुके थे, तो वो जो खाना खाए थे वही खा गए थे, तो बहुत ही ख़राब स्थिति था। और अभी भी तब भूख लग गया, 11 या 10 बज रहा होगा। हाँ दोनों बेटा 10 बज रहा है, अब बच्चों की हालत ख़राब है, भूखे हैं दोनों, तो भूखे हैं तो हम सोचे कि नहीं रुके खाना खिला लेते हैं। वो हमेशा टालता है, उसका आदत बहुत ख़राब है, इतना लापरवाह इंसान है ना। भगवान से हमेशा दुआ करते हैं कि भगवान अगर किसी बेटी के हिस्से में खुशी नहीं होगा, एटलीस्ट उसको ऐसा सुहाग मत देना जिसके वजह से उसको कदम कदम पे ऐसे जलील होना पड़े, ऐसे भूखा रहने पड़े, ऐसे कष्ट होना पड़े। बच्चों को भी दुख होता है, बस यही दुआ करेंगे और कुछ नहीं। बहुत मुश्किल है सफ़र, बहुत ज़्यादा। देखते क्या है खाने में, वो नहीं पता है, बहुत भूखा है, बहुत ज़्यादा। हाँ इसमें ना दाल भात सान के बाबू को दे दो, अलग से दाल भात सान के उसको दे दो। खाना हो गया, मेरा हो चुका है, सगुन खा ही रही है। और इतना ज़्यादा हरेसमेंट है ना, इतना ज़्यादा, मतलब चला, मतलब कैसे बैठ के जाएंगे अभी गाड़ी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पैर पूरा झिंझिनी भर गया है, एकदम सुस्त लग रहा है, दिमाग सब कुछ, मतलब अभी बहुत ज़्यादा हमको अजीब लग रहा है। काफ़ी दूर भी है, धूप भी ज़्यादा हो गया है, बस लग रहा है कहीं सो जा जाए थोड़ा देर। इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही है ना, ये कोई नहीं समझ सकता है। बहुत बहुत अजीब लग रहा है, बहुत, मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ दूँ जिसके साथ हूँ ना, बस इस यही सबसे बड़ा कारण है मेरे लाइफ में परेशानी का, टेंशन का। और ये जब तक मेरे लाइफ में है ऐसा ही बना रहेगा, और हमको नहीं लगता है कि इस चीज़ से कभी हमको छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि ये है तो इससे ही सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को, फिर भी लोगों से मुझे देखना होगा, मतलब रखना ही होगा, और पता नहीं क्या होना है भविष्य में। तो हमारा बैग ना रास्ते में गिर गया था, हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, उसके बाद वापस आके अभी ले रहे हैं। टांगने का नहीं है भैया, कोई राशि होगा क्या भैया, वो वाला राशि दे दीजिए ना, वो वाला ले लो ना, वो वाला, ये मजबूत वाला है, ले लो ना, दे रहे वही वाला बांधो ना, वही फिसल, देखो मजबूत वाला दे रहे, ये बांधा ही था बहुत अजीब तरीके से, तो इसीलिए तो स्लिप करके खुल गया है, स्लिपी है ना भगवान। गाड़ी बांधते बांधते ना नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया, लेकिन चोट नहीं लगा क्योंकि ऐसे करके डायरेक्ट गिर गए, थोड़ा सा स्लिप ही था, उधर से धक्का है, तो तीनों को बैठे थे। मैं इसको अक्सर बोलते हैं गाड़ी में से बैठा के मत क्या करो हम लोग को, लेकिन ये सुनता ही नहीं है, बच्चा लोग हिलता डुलता रहता है, गाड़ी भी ऊंचा है, हमेशा बोलते हैं मत करो, लेकिन नहीं सुनेगा, आदत है इसका। हाँ बांध लो ना। आज मेरी हालत जो भी है ना, बस मेरे हस्बैंड के वजह से है, और इसका परिवार वाला जो आज मेरा ये हाल किया है ना, एक दिन इतना गंदे तरीके से भुगतेगा, बहुत ही गंदे तरीके से। जितने लोग मुझे सताया है ना, सबका मेरा दिमाग में है, भगवान से हम कब का सबके लिए गुहार लगाना कहते ना, लगा चुकी हूँ। मैं खाना नहीं खाई हूँ, हमारा शरीर हम जैसों का कितना कमज़ोर होता है ना, ये हम जैसे लोग ही समझते हैं, और जो हमारी परेशानियाँ बढ़ाते हैं हम जैसों का, वो इसी जन्म में इसी दुनिया में भुगतते हैं। मैं जानती हूँ जब मैं यहाँ से निकली हूँ ना इसके घर से, तो इसकी माँ गालियों से हमको भून रही होगी, क्योंकि उसको बहुत बुरा दिन दिखा के आया। मेरी ऐसी जगह गिरी तो कहते हैं कि देखिए हर जगह किस्मत होता है, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे हम खुद से गिरे, मुझे गिराया गया, मेरा बैग गिरा, फिर हम लोग गिरे, और जब हम लोग गिरे तो बाबू का नज़र पड़ा, जब नज़र पड़ा तो ये हमको पूछा, जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो बोला कि क्या आप ब्लॉगर है, तो हम बोले हाँ, तो हम भी बोले कि तुम बनाते हो क्या, तो है, तो इनका काफ़ी सारा सब्सक्राइबर है, कितना बाबू
26K 26,000 ये मायने रखता है। अपना नाम बताइए। मेरा चैनल का नाम है नेगेटिव एक वाइटी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं दीदी का गलती से एक्सीडेंट हो गया। इधर से बैग पहले गिर गया, फिर दीदी का पैर थोड़ा सा डैमेज है। दीदी थोड़ा सा संभल नहीं पाई, वही तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, तो बाद में बाइक भी गिर गया। दीदी को थोड़ा बहुत चोट लगा, तो सपोर्ट कीजिए, आगे बने रहिए और दिखाइए अपना प्यार वीडियो में। बाकी आगे दीदी और बताती है आपको। बाबू को हम बोले हैं सब्सक्राइब भी कर दिए हैं, और इनको हम बोले हैं कि आपका काफ़ी फैमिली है यूट्यूब पे, तो थोड़ा मेरे को वहाँ पे बोलिएगा सबको, है ना। थोड़ा मतलब ब्लॉग चैनल है आपका? नहीं नहीं, मेरा कॉमेडी चैनल है। अच्छा कॉमेडी चैनल है, इनका कॉमेडी चैनल है, तो आप लोग इनको भी प्यार दीजिएगा। हम चैनल मेंशन कर देंगे और मेरा भी चैनल आपका मेंशन कर देंगे। हम सब्सक्राइब कर दिए हैं, बाकी आपको हम चैनल मेंशन करते हैं। हम तो इनका चैनल ले लेते हैं, फिर आप लोगों को भी बता देते हैं। कैमरा ऑन किए ना, तो कहने का मतलब है अभी हमको कोई ना पीछे से एक लड़का बोला, तो बाप बच्चा था, हेलमेट लगाया था, इशारा किया कि हेलमेट पहन लीजिए, पकड़ लेगा। हम लोग हमारे शहर में पहुंच चुके हैं, तो हमको लगा कि हेलमेट तो हमारा है नहीं, तो अभी आप लोग का ही सहारा लेना होगा, पकड़ लेगा। ऐसे भी थक थका गए इन लोग, तो हमारी स्थिति नहीं जान रहा कि क्या हालत है। तो जैसे कैमरा ऑन किया तो वो बोला कि हेलमेट लगा लीजिए, हेलमेट। वो समझ गया कि हम आप उन्हीं लोग को लाइव दिखाएंगे। तो आप लोग से देखिए, दुनिया सब डरती है, सबको समझ में आता है कि आप लोग देख रहे हैं, पब्लिक दुनिया सब भगवान है, उसके बाद आप लोग हैं। तो इसीलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी आप संवार सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करिए, हमको सच में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अभी तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो पहले इसको बोल रहे दूध पिलाओ, दो दिन पिला, ताकि हम लड़ने के लिए फिर से ताकतवर हो सके। मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। दीजिए गिलास। तो यहाँ पे मौसमी का जूस है जो 50 रुपये गिलास है, भैया बोले हैं हम एक गिलास पियेंगे, क्योंकि ये जो पैर है ना, पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, झिड़ा रहा पूरा। बनाइए बनाइए। ये रहा मेरा जूस, ये गिरेगा, लो ना गिलास भारी है। भाई किसी हमारा फैमिली देखिए कहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे आए तो इंतजार कर रहा था, अंदर से आया अभी, सो के उठा है, अब बेचारा पतला भी हो गया है, इसके लिए बिस्किट लेके आया है। हमारा पहरेदार है। तो ये देखिए जानवरों से सीखा जाता है कि घर में जब आदमी आते हैं वो नहीं बेटा, वो नहीं, तो खुश होना चाहिए, ये नहीं कि देख के उदास हो जाते हैं। हाँ डोबो लाए बिट्टू, लाए डोबो, अभी अभी खुद फांद के हमारे पास आ जाता है, शायद इसको खाना नहीं मिला, पता नहीं पानी है कि नहीं है, पानी तो देख के ही गए थे हम लोग। खुला, जानवरों से सीखना चाहिए दोस्तों, रिश्तेदारी कैसे निभाया जाए। पूरा खोलो, तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और देख रहे बारिश नहीं, बारिश हुआ है तो हमारा पेड़ पौधा वैसा कुछ खराबी नहीं हुआ है। और किसु बहुत गुस्सा हो रहा है, क्योंकि दो पैकेट बिस्किट था ना, तो दोनों दे दिए डब्बो को, क्योंकि दोनों डब्बो को ना हमको लगता है खाना कोई नहीं दिया था, हम लोग इधर उधर बोले हुए हैं, तो वैसा तो कोई नहीं ना देगा जैसा हम लोग देते तीनों टाइम, तो पूरा पेट उसका पचका हुआ बेचारा, काफ़ी कमजोर भी लग रहा है। हम लोग चलते हैं, अब कपड़ा उपड़ा बदलेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करेंगे तब फिर से रिकवर होंगे, तभी जा करके, क्योंकि लड़ाई जीवन में ख़त्म तो होने से रहा, जब तक सांसें हैं तब तक बहुत की आंखों में खटकेंगे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, चुप रहिएगा तो भी खराबी है, लड़िएगा तब भी तो बेहतर है लड़ना, क्योंकि चुप रहना तो सही नहीं है कहीं से भी नहीं। और लड़ाई हम किसी और के लिए, किसी और का चीज़ लेने के लिए नहीं करें, अपनी चीज़ों के लिए हर कोई लड़ता है, और जो नहीं लड़ता उसको लड़ना चाहिए, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं, और ऐसे भी कुछ नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो चलिए फाइनली रास्ते में काफ़ी सारा दिक्कत आया, अभी भी वापस बैग हमारा आधा इधर पहुँचे थे तब जाके वापस फिर से खुल गया था, तो उसको हम हाथ में टांग टांग के हिलाए, देखिए गिरा हुआ है, उसे टांगे हुए थे एकदम हाथ में, तो इसका काम ही ऐसा होता है, हर चीज़ में मतलब कोई भी काम है, मतलब एक होता है ना कि एक बार वो छू दिया, हाथ लगा दिया, तो काम में दोबारा हाथ नहीं लगेगा, कितनी बार लगेगा वो आप भी नहीं बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द।